नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर मौजूद हैं आपके साथ एक और हॉरर स्टोरी के साथ, डायन के बदले की आग, रियल हिंदी हॉरर स्टोरी। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती हैं। वह माना जाता है कि यह इलाका डायनों का है, यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में किल गाड़ पर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या अनुश्रद्धा लग रहा हो, इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहां पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गाँव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियाँ इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती हैं। यह गांव की वही जगह है जहाँ वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिन में से पुरुष लापता हो गए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई हुई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया है। लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता, हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पूछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गाँव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने गलत किया था, उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बैठकर यहाँ अपना बदला पूरा करती हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।